आपको जून में वेट करना, मैं शादी कर रहा हूँ और आप सबके सामने आएगा। बच्चे में वाइफ ढूंढी नहीं मेरे घर में, वाइफ ढूंढी मैं क्या वाइफ नहीं ढूंढी, वाइफ ढूंढूंगा लेकिन जून में करूंगा। अच्छा ढूंढी नहीं है अभी तक, यही तो बात है। चट मंगनी पट ब्याह आजकल ऐसे चल रहा शादी नहीं, फिर तो मजनू ने, मजनू जितने लवर्स होने बेचारे अनकम्प्लीट रहे, वो तो मेरी तो शादी होगी तो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत तगड़ा झगड़ा, तो बहुत तगड़ा, आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो जितना ये बोल रहे हैं बहुत कम बोल रहे हैं। नहीं पर ये शुरू से बहुत, इसका मतलब ये नहीं कि क्षमा भी नहीं, ये एक्चुअली ये साउथ इंडियन है ना, तो इसका जो इसका गुस्सा पता नहीं चलता। इतनी सुंदर है, इतनी ब्यूटीफुल, जब स्माइल करती है तो मीखा ऐसे कुछ बोलती है तो ये नहीं समझ आता गुस्से में बोल रही है कि प्यार से बोल रही है। तो कल भी हम छोटी छोटी बातों से बहुत लड़ रहे थे। मैं कह यार जब मेरा म्यूजिक कंपनी की बात आती है तो उसमें ना एक मैं प्रोड्यूसर बन जाता हूँ, एज ए फ्रेंड तो पता क्या चाहिए। तो छोटी सी बात हो गई कि मेरे को उस फ्लाइट में जाना, मैं कह नहीं तुम उस फ्लाइट का ना 5000 फालतू आ रहा है तो मुझे अभी गूगल पे कर। बोलते तुम इतना खर्चा करने के बाद 5000 मेरे से मांग रहे हो, मैं कह वो कंपनी का है। कंपनी का ध्यान रखना पड़ता है आजकल। सर आपका कुछ, मैंने वही तो बताया कि वैलेंटाइन हमारा, हाँ हाँ ऐसा ख्वाहिश कुछ नहीं है, मुझे ये रहता है कि यार जो जो, हाँ नहीं ये जरूर है कि जो जो हीरोज हैं जैसे मूवीज़ आ रही हैं और फटाक से गायब हो रही हैं, काश मैं उनके लिए गा पाता तो उनकी मूवीज़ टिकी रहती। तो जो जो हीरो हैं जो मेरी आवाज़ के बिना अधूरे हैं उनको मैं ये मैसेज और चैलेंज करता हूँ कि जब भी मेरी मेरा गाना आता है पूरी मूवी सुपर हिट जाती है। और टच वुड, ये आप लोगों का आशीर्वाद है, भगवान की देन है। हाँ तो अब जो जो रह गए उनके लिए भी मैं गा दूँगा। एंड पिछले जब हमारा गाना आया है आई गेस 6 या 7 तारीख को हमारा गाना आया था ना, ये 10 को आया था और 6 को हमारी जो सरस्वती माँ हमारी लता जी का देहांत हुआ था। तो 4 दिन फिर मैंने कोई भी चीज़ पोस्ट नहीं करी बिकॉज पंजाबी में हम चौथा मनाते हैं, तो उस तरीके से मैंने उस चीज़ को फॉलो भी करा। एंड आई थिंक हमारे देश की सबसे बड़ी शान लता जी ही थे, लता जी हैं बिकॉज लेजेंड नेवर डाई। और मुझे थोड़ा सा ये जरूर रहा कि बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस वहाँ पे जा सकते थे, आई डोंट नो क्यों नहीं गए, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, बिकॉज मेरे हिसाब से वो माइकल जैक्सन से भी बड़ी लेडी थी। जब माइकल जैक्सन का हम फ्यूनरल देखते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ इकट्ठी होती है हॉलीवुड की। तो इंडिया में भी हम लोग जा सकते थे, क्या कारण रहा वो ही बताएं। एंड हमने मतलब जो भी उनको रिस्पेक्ट दी वो गवर्नमेंट के थ्रू मिली अच्छी, बिकॉज भारत रत्न अवार्ड उन्होंने लिया था एंड बहुत सारे अवार्ड, अनगिनत अवार्ड्स। बट हम और ज़्यादा कर सकते थे, स्टिल हमारे दिलों में हमेशा वो रहेंगे, उनकी उनके गाने सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। तो सिर्फ मेरे मन में थोड़ा सा ये था, मैं बड़ी देर से दबा के बैठता कि ऐसा कुछ होता कि हम सब उनको एक श्रद्धांजलि देते। हालांकि बड़े बड़े सुपरस्टार गए हैं, बच्चन साहब भी गए हैं, शाहरुख भाई भी थे एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी तक वहाँ पे आए हैं। तो बहुत सारे इंडस्ट्री से हम लोग जा सकते थे या उसके बाद कुछ ऐसा एक स्पेशल डे मना सकते हैं या मना सकते हैं, अभी भी टाइम है। उनका गाना आजकल हम, हाँ आजकल के जो सिंगर्स हैं इंक्लूडिंग मी, हम अपना गाना नहीं गा पाते। लता जी का गाना गाना तो अगर आपको अपनी बेइज्जती करानी है तो आप लता जी का गाना गाओ, बिकॉज वो सारे गाने, मैं एक लाइन सुनाता हूँ, बहुत मुश्किल गाना है। बाहों में चले आओ, बाहों में चले आओ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं विलन, जो संग है उम्र भर का।
बाहों में चले आओ, बाहों में चले आओ। थैंक यू जी। थैंक यू जी एंड थैंक यू सो मच। आप इतना हमेशा जब भी हम आपको बुलाते हैं आप इतने प्यार से आते हैं। थैंक यू पारुल एंड थैंक यू एवरीवन। हाँ जी एंड यस।